तो जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हो? बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम लोग एयरफोर्स जीटी के इंट्रो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्रो कैसे दें, क्या चीज़ दें, कैसे दें, ठीक है, क्या क्या करना है इंट्रो में, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंट्रो से ही आपका लगभग 70% जीडी क्लियर हो जाता है भाई। इंट्रो से 70% जीडी क्लियर हो जाता है। अगर आपने सही से अपना इंट्रो दे दिया, उसके बाद टॉपिक का इंट्रो दे दिया, तो 70% जीडी तो वहीं पे ही क्लियर हो जाता है। वहीं पे वो समझ जाते हैं कि हाँ, बंदा कैपेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप अपना इंट्रो बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। जो अपना इंट्रो तैयार कीजिए, वो इतना तैयार कीजिए कि 25 से 30 सेकंड में खत्म कर सकें, उसके बाद टॉपिक पे आप बोल सकें। और बहुत से सेंटर में तो इंट्रो स्किप करवा देते हैं, जैसे पिछली बार बीटा करके ले लेते हैं। बीटा में शुरुआत के दिनों में तो इंट्रो करवाया था 2-3 दिन, उसके बाद उन्होंने इंट्रो स्किप करवाना शुरू कर दिया। सीधे टॉपिक के इंट्रो पे बोलिए, जितना ज़्यादा टॉपिक पे बोलेंगे उतना उसका काम वहाँ पे बढ़िया हो रहा था। वो मतलब जिसने भी टॉपिक पे बोल दिया 1 मिनट तक, उसका काम हो गया समझ लो जीडी में। तो आपको इंट्रो सबसे अच्छे से तैयार करना है। तो इंट्रो में सबसे पहले देखो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बताना है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपको अपना हॉबीज बताना है, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, ये बताना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं करना है। क्या बताना है, रिपीट करता हूँ दोबारा। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना है। थर्ड थिंग, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मतलब करंटली चल रही है, ठीक है, वो बताना है। और अगर आपके 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 80% के ऊपर हैं, तो ही आप बताइएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। जो आपकी करंट क्वालिफिकेशन चल रही है उसको बताइएगा, ठीक है। और आप चौथी थिंग, उसके बाद आप अपनी हॉबी बताइएगा, क्या आपकी हॉबी है, क्या स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ को रखना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवी थिंग, अपने आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बस इतना चीज़ आपको बोलना है। आपको मदर और फादर को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उनके पास आपके मदर और फादर के बारे में भाई सबको नाम वगैरह सब पता रहता है। उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके फादर फार्मर हैं या आपकी मदर होम मेकर हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके बारे में जानने के लिए बैठे हैं, ना कि आपके माता पिता के बारे में जानने के लिए बैठे हैं। तो इन सबको चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। अपना नाम, अपने आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, और आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले ये आप अपना फॉर्मेट एक बना लीजिएगा, लिखिएगा साथ साथ में, ये चीज़ आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी हॉबी वगैरह। और ये जरूरी है, मतलब ये थिंग जरूर रखना कि आप वहाँ पर रियलिटी बताएं, ना कि बढ़ा चढ़ा के अपनी हॉबी में बताएं कि आपको रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत पसंद है, या मतलब हिल एरिया में ड्राइविंग बहुत पसंद है। ये सब कुछ भी नहीं यार, जितना मतलब रियल रहोगे, जिनमें रहोगे उतना ही मतलब वो भी समझते, वो भी इतना ही आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो आप रियलिटी अपनी हॉबी वगैरह में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब आपको इंट्रो में सबसे पहले अपना नाम कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं माई सेल्फ आदिल खान या माई सेल्फ दिस, तो ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि माई सेल्फ होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो ये आपकी ग्रामर भी इरर हो गई, और इसको मतलब कोई ये तो इरर आपको करना ही नहीं। माई सेल्फ से कभी भी आपको इंट्रो स्टार्ट नहीं करना है। और बहुत से लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं दिस इज़ आदिल खान, बिल्कुल गलत तरीका भाई। आप कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो कि जैसे नहीं एक एडवर्टाइज आता है दिस इज़ शाहरुख खान, दिस इज़ अमिताभ बच्चन, ये मतलब ये इन लोगों के लिए ठीक है, ना कि हम लोगों के लिए। हम लोग एक डिफेंस में जा रहे हैं, हम लोग डिसिप्लिन कैंडिडेट हैं, तो आपको इस टाइप का मतलब कुछ भी इंट्रो वगैरह में नहीं तैयार करना, सबसे अच्छा रहेगा आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा रहेगा माय नेम इज़ आदिल खान या माय नेम इज़ दिस, ठीक है। आप अपना इस तरीके से बता सकते हैं, और बाकी आप ज़्यादा मतलब उसमें कुछ तिकड़म करने की कोशिश ना कीजिएगा। सिंपल, जितना सिंपल इंट्रो देंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी अपनी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप ये बोल सकते हैं आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश कानपुर, या आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये बोल सकते हैं बस। और ये बोल सकते हैं उसके बाद थर्ड थिंग कि आप अपनी हॉबीज़, माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप व्हाई डू यू वांट इंडियन एयर यू वांट जॉइन इंडियन एयरफोर्स, तो आप अपना बिल्कुल सिंपल, आप सब बच्चे अपना यूट्यूब पे देख के तैयार कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल था, जो भी आपको अच्छा लगा हो, टच द ग्लोरी विद स्काई, या मतलब दोज वॉरियर टाइप का एक बना रखा है किसी ने, मतलब इन्हें जब एयरफोर्स ज्वाइन करने वाला सिस्टम आता था वो बोलते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग, तो जो मैंने इंट्रो तैयार किया है, अगर आप लोग मतलब आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि ऐसा इंट्रो बोले, तो आप अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा, वहाँ पे अपना नाम वगैरह बस मेरे नाम की जगह लिख लीजिएगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, तो वो मेंशन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको एक जैसे मैंने एक मतलब एक रिस्पेक्टफुली शब्द का यूज़ किया, सबसे पहले आपको जैसे बहुत से लोग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, या ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही कुछ आपको एक मतलब, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, वहाँ आपको टाइम पता नहीं चलता कब क्या करा रहे हैं, गुड आफ्टरनून है कि गुड इवनिंग है। तो इससे इन सबको स्किप करके आप सबसे पहले सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जय हिंद करके अपना इंट्रो चालू करें। जैसे मैंने चालू किया जय हिंद एवरीवन, कुछ इस तरीके से अपना इंट्रो चालू करें। तो जैसे मैं अपना इंट्रो आपको एक बार बोल के सुनाता हूँ, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज आदिल खान, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश कानपुर, विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। नाउ आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। इन माय स्पेयर टाइम आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, विच फील्स मी एनर्जेटिक एंड मेक मी हेल्थी। आई एम चेयरफुल एंड कोऑपरेटिव पर्सन, आई जस्ट इन एटमॉस्फेयर इजिली, एंड आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स सोशल रिस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड करियर, एंड आल्सो गिव अ चांस टू सर्व अवर नेशन। या इंट्रो खत्म करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यू अपॉन द गिवन टॉपिक, ठीक है, जो भी टॉपिक है। उसके बाद इंट्रो जैसे ही आपको खत्म किया, उसके बाद आप इस लाइन का यूज कीजिएगा, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यू अपॉन द गिवन टॉपिक। उसके बाद अपना जो भी टॉपिक के बारे में इंट्रो देना है, वो आप अपना इंट्रो 30 सेकंड तक दीजिएगा, ठीक है।
कुछ इस तरीके से आपको इंट्रो तैयार करना है। तो बिल्कुल जितना सिंपल भाषा में रखिएगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि आपको झूठ पकड़ा जाएगा। अगर आप बड़ा चढ़ा के इंट्रो में बोलोगे तो रियलिटी पकड़ा जाएगा वहाँ पे, तो आपका रिजेक्शन का चांस बनेगा। तो इससे अच्छा जितनी ज़्यादा रियल चीज़ जेनुअन चीज़ बोलेंगे, जो रियलिटी आपके बारे में वो बोलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बड़ा चढ़ा गए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, और किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आज कीजिएगा। जय हिंद।